हाजिर हूँ और ख्वातीन हजरात इस वक्त मेरे साथ एक बहु चंगी बहु खूबसूरत एक हीरोइन बैठी है जिससे मैंने बहुत सारे सवालात करने हैं और सदका बाद में ये अगर होती तो फिर मैं इससे सवाल ना करता सिर्फ इसकी बातें सुनता लेकिन क्योंकि मैं इसके शहर में बैठा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट अब सवाल ही कर लिए जाएं। अलीज़े क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगी? देखूंगी। किसको देखोगी? मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। सवाल इतने अच्छे हैं कि उनका जवाब दिया जाए। भाई मैंने बहुत सारी जो है ना अफवाहें सुनी है तुम्हारे बारे में, तो मैं सबसे पहले ये अफवाहें जो हैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो मेरा पहला सवाल है अलीज़े से, अलीज़े गौर से सुनना। मैंने सुना है तुमने इमरान अब्बास से शादी कर ली है। मैंने उनसे शादी, पता नहीं किसने ये रूमर फैलाया। वत तुम उस लड़के को उन क्यों कह रही हो? उन तो सिर्फ उन्हें कहते हैं। उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो रिस्पेक्ट तो उन्हीं की करते हैं ना जिनसे शादी होती है। ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं करते? नहीं ऐसा नहीं करते यार। वत ये लड़की जो है ना इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। वाकई सच्ची बात बता रहा हूँ। अगला सवाल मेरा ये है, अलीज़े शाह ने एक मैरिज प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था मगर उसको आया था और उसमें एक शख्स था जो कह रहा था कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं 50 तोले सोना दूंगा। क्या ऐसा था? 5,000 तोले था? कितने तोले था? पहले तो ये बताएं कि ये इकट्ठे कहां से किया? ये मेरा नया टेलीफोन आया है ना मेरे पास, ये देखिए मेरे हाथ में है तो इसके अंदर सारे सवाल है मेरे पास। बता दें आप, सदका बात की पूरी आवाम इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। अच्छा रूमर तो मैंने खुद भी ये सुना था लेकिन मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता इसकी कि क्या था क्या नहीं। वत आपको जब 50,000 तोले का आपने सुना तो आपने क्यों नहीं उसके पीछे इन्फॉर्मेशन हासिल की? मैं क्यों करूँ? आई हैव Really no interest. मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मगर क्या पता वो बहुत ही अच्छे दिल का आदमी हो मिस्किन अली की तरह। लिखें मैं बहुत अच्छे दिल की हूँ। सरकार ने मुझे एक्सेप्ट किया है तो आपकी सरकार कहाँ है? मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। आप खुश हैं? तो अच्छा मगर ये रूमर नहीं है, ये सच्ची बात है फिर? हाँ आई गेस। हाँ यू गेस, आई गेस्ट इट राइट। ओके हम अगले सवाल पे चलते हैं। अलीज़े शाह ने रिग्रेट किया है, अपने आप को खत लिखा, आई सीरियसली रिग्रेट टेलिंग माई सेल्फ दैट आई डू नॉट लाइक माई हेयर कट। क्या ये बात सच? आई लव माई हेयर कट एंड आई फील वेरी स्ट्रांग क्योंकि मुझे लगता है आई एम फियरलेस, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लाइक आई कैन चेंज माय बॉडी। ट्रक को अपने बालों से खींच सकती हैं? बहुत छोटे हैं यार। नहीं यानी अभी तो आपने बोला कि मैं अपने बालों की वजह से कुछ भी कर सकती हूं। स्ट्रॉन्ग फील करना ये नहीं होता कि मतलब आप पापा बन जाती हैं। स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज्यादा जरूरी होता है फील लाइक। अच्छा तो मेंटल स्ट्रॉन्ग जो आदमी होता है वो क्या ज्यादा पागल होता है? क्या होता है? ज्यादा पागल नहीं होता, ज्यादा अच्छा इंसान होता है। अच्छा इंसान होता है, बस अच्छी बात है। जैसे मैं चलते हैं, सवाल ये है कि अलीज़े शाह इज ट्राइंग टू बी लाइक नेक्स्ट बिली आइलिश, ऐसा ये? आई कैन नेवर बी बिली आइलिश, आई अडोर हर, आई रियली लाइक हर। मैंने हर गाना सुना है उस बंदी का। बस एक गाना गा के सुनाए फिर यार, एक एक तो हो जाए ना, एक तो हो जाए। हाँ यार बिली आइलिश का सॉन्ग। हाँ हाँ सारे गाने सुने हैं बट इस हीरोइन ने ओके याद नहीं है। हाँ हाँ ओके लपे आ डोंट बी दैट वे Fall apart twice a day. Only you know the way that I pray. वत बहुत चंगे भाई, शाबाश। लड़की पूरे मार्क्स लेके पास हो गई है और मार्क्स की शदीद कमी है। जिस किसी ने मार्क्स नहीं लगाए वो प्लीज लगाए, कोरोना से अपने आप को बचाए। अलीज़े शाह इज परफॉर्मिंग विद दानियाल जफर, ये हमारा अगला अफवाह हमें पता चली है, ये बात दुरुस्त है? आई थिंक आई लीव दैट अप टू यू गाइस। अच्छा यानी किसी हद तक तो कोई आधा आधा तो जफर आएगा? वो देखेंगे। हाँ वो देखेंगे कि जफर है, असलम है या शबीर है, देखा जाएगा। जान नहीं है HSY भी है माशाल्लाह, वो भी है लेकिन देखें मैं किसके साथ डांस करती हूँ। चलिए ये मगर अफवाह जो है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भांडा फोड़ूंगा इस अफवाह का 2 दिन बाद। नहीं, 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 पता चल नहीं, जाएगा नहीं। 2 दिन बाद शो है, लड़की पूछना है। अलीज़े ये बताओ तुम्हारे बारे में लोग ये क्यों कहते हैं कि अलीज़े के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट है?
यार आई फील लाइक के पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और हर इंसान अलग होता है. हर इंसान हर किसी से कनेक्ट नहीं कर सकता. तो हर किसी से, जिस तरह आप फैमिली एक होते हो, तो हम हमारा जो सेट होता है वो भी एक फैमिली ही होती है. कभी कभी आपकी अपनी अम्मी से नहीं बनती, कभी कभी आपके अपने अबू से नहीं बनती, मगर सेट पे अम्मी अबू तो नहीं होते. आई फील लाइक कि हर इंसान क्योंकि डिफरेंट होता है, क्योंकि हर इंसान की हर किसी से नहीं बनती, तो वो ये फील करता है कि मेरे साथ काम करना मुश्किल है. देखिए हर इंसान के लिए जैसा वो बिहेव करेगा मैं वैसा ही बिहेव करूंगी. अगर वो मुझसे बदतमीजी करेगा तो व्हाई शुड आई स्टे क्वाइट. सो आई फील लाइक कि जैसे आप खुद होंगे वैसे ही एक्सपेक्ट भी करें कि अगला बंदा आपके साथ होगा. बात बहुत अच्छी, समझदारी वाली बातें की हैं. आखिरी सवाल के बाद तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि लड़की ने इजी टू मेंटेन हेयर स्टाइल रखा हुआ है, आप लोग भी ट्राई करें घरों पे. शुक्रिया, आपने ये हमारा सेगमेंट देखा.